तो आज गाइस मैं आपको बताऊंगा फरवरी महीने में इंडिया में जितने भी फोन देखने को मिल सकता है। एंड गाइस जनवरी महीने काफी ज्यादा गर्म था, काफी सारे फोन लॉन्च हुआ, बट गाइस जो फरवरी एंड जो मार्च महीना होता है वो किसी भी महीने से सबसे ज्यादा फोन इसी महीने में लॉन्च करता है। एंड जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स है जिस फोन को लेकर ईयर में हर वक्त हाइप रहता है वो फोन गाइस इसी महीने में कंपनियां लॉन्च करता है, यानी कि जो कंपनी की तरफ से जो फ्लैगशिप फोन आते हैं वो ज्यादातर इसी महीने में लॉन्च होता है। सैमसंग की तरफ से जो आईक्यू है, बहुत सारे गाइस ब्रांड है जो इस महीने में आपको फोन्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर से कर देना। एंड गाइस जितने भी ये फोन है उसमें से बहुत सारे ऐसे भी फोन है जिसको मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूं। तो सारे के सारे वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस अगर आपको अनबॉक्सिंग भी देखना है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखिए, ताकि फ्यूचर में मैं और जब भी सबसे पहले अनबॉक्सिंग डालूं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो रेनो 7 सीरीज। एंड गाइस जो ओप्पो रेनो 7 सीरीज है वो 4th फरवरी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, यानी कि कुछ ही दिन बाद। बट गाइस मैं ऑलरेडी इस फोन का ओप्पो रेनो 7 प्रो का अनबॉक्सिंग डाल चुका अपने चैनल पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो ऊपर आई बटन में मैं पिन अप कर दूंगा एंड इन स्क्रीन पर भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो कि काफी अच्छा फोन है। तो ये जो फोन है गाइस ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, इसका जो कैमरा होता है एकदम टॉप होता है। वर्ल्ड फर्स्ट आपको सोनी की तरफ से 709 का सेंसर देखने को मिलता है, सोनी IMX709 का सेल्फी सेंसर, तो काफी अच्छा कैमरा होने वाला है। एंड जो बैक कैमरा है उसके अंदर भी IMX766 का सेंसर होने वाला है। एंड वीडियो बुके का एक्सपर्ट है ये, तो ऊपर आई बटन में आपको अगर देखना है अनबॉक्सिंग देख सकते हो। एंड अगर मैं प्राइस की बात करूं तो एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो लगभग जो प्राइस है उसका, इसके लिए मैं अभी तो नहीं बता सकता हूं डायरेक्टली, रेस्ट्रिक्शन है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पर विजिट करके प्राइस भी चेकआउट कर सकते हो, इसका प्राइस भी लीक हो गया है। एंड गाइस दूसरा वाला जो फोन है यह है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग की तरफ से मेन फ्लैगशिप सैमसंग का ईयर में एक ही बार लॉन्च होता है एंड इसको लेकर ईयर भर हाइप रहता है। एंड अभी भी गाइस इस फोन को लेकर मैं खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, जो कि सैमसंग की तरफ से सैमसंग S22 अल्ट्रा सीरीज। जो सैमसंग S22 सीरीज है उसके अंदर आपको सैमसंग S22 अल्ट्रा, S22 प्लस एंड S22 देखने को मिलता है हर बार की तरह। एंड गाइस ये जो फोन है ये इंडिया में 9 फरवरी एकदम ऑफिशियल कंफर्म हो गया है, जैसे कि आप टीजर वगैरह देख सकते हो 9 फरवरी रात को 8:30 बजे लॉन्च होने वाला है। एंड गाइस इस फोन के अंदर जो वर्ल्ड वेरिएंट होगा उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिलेंगे, बट जो इंडिया में आएगा उसके अंदर आपको एक्सिनोस प्रोसेसर देखने को मिलेंगे हर बार की तरह, जो एक्सिनोस 2200 वगैरह है वो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस फोन को लेकर मैं इस बार काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, देखते हैं सैमसंग उसके फ्लैगशिप सीरीज में इस बार क्या कमाल करता है सैमसंग S22 अल्ट्रा में स्पेशली। एंड इसके साथ साथ गाइस सैमसंग का एक और फोन इंडिया में आ सकता है, जो कि है सैमसंग की तरफ से A53 5G एडिशन। एंड गाइस ये जो फोन है A52 का सक्सेसर होने वाला है, जो A52 है वो इंडिया में 2021 को काफी ज्यादा बिका था, काफी अच्छा फोन था ये। तो ऐसा न्यूज आ रहा है कि 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच ये फोन भी इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। तो अब गाइस बात करते हैं आईक्यू की तरफ से। एंड आईक्यू वन ऑफ द बेस्ट, मैं आईक्यू 7 खुद यूज करता हूं एज माय प्राइमरी डिवाइस, तो मैं इस फोन को लेकर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो जो आईक्यू 9 सीरीज है वो भी इंडिया में रिलीज होने वाला है इसी महीने की एंड वीक में या फिर मिड में आपको देखने को मिल सकता है। आईक्यू 9 सीरीज के अंदर आपको आईक्यू 9 प्रो एंड आईक्यू 9 दोनों ही गाइज ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, एक कोई मतलब लीक वगैरह नहीं है, आप देख सकते हो उसके वेबसाइट पे विजिट करके। एंड गाइज एक और चीज़, जो आईक्यू 9 प्रो था उसका मैं अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल चुका हूँ, तो अगर आपको देखना है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे एंड ऊपर आई बटन में भी मैं पिन कर दूंगा, आप अगर इंटरेस्टेड हो आप देख सकते हो। बाकी इस फोन के अंदर आपको जो आईक्यू 9 प्रो है इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिलेंगे एंड जो आईक्यू 9 नॉर्मल सीरीज होगा उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि कंपीट करेगा जो वन प्लस का 9RT है उसके साथ। एंड गाइस अगर आप वन प्लस 9RT खरीदने की सोच रहे हो तो रुक जाओ और कुछ दिन रुक जाओ भाई, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं, वन प्लस 9RT वर्सेस आईक्यू 9 आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, 40,000 सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फोन आने वाला है आईक्यू की तरफ से, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं वो वाला वीडियो वॉच करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो
देखना है ऊपर आई बटन में, नीचे एंड स्क्रीन पर, मैं दोनों ही जगह पे दे दूंगा आपको। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये वाला वीडियो जरूर से वॉच करना। 40,000 सेगमेंट के अंदर iQOO 9 रिलीज हो सकता है 40 से 45, एंड जो iQOO 9 प्रो होगा वो 50,000 तक आपको देखने को, 50 या फिर 60,000 के बीच आपको देखने को मिल सकता है इंडिया में। अब इस बात ये आ जाता है कि 50 से 60,000 रुपये खर्च करके कौन खरीदेगा एक iQOO ब्रांड का फ़ोन, ये भी एक बात बन जाता है। तो फिर iQOO को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस रखना ही पड़ेगा। आई थिंक 60 से अगर ऊपर चला जाएगा तो ये थोड़ा ओवर प्राइस फ़ोन माना जा सकता है, बट गाइस 60 के अंदर एक अच्छा खासा फ़ोन हो सकता है। स्पेशली जो iQOO 9 है वो अगर गाइस 40 से लेकर 45 के बीच लॉन्च होता है तो पूरा गया OnePlus 9RT बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एंड OnePlus 9RT खरीदने की सोच रहे हैं तो ज़रूर से कुछ दिन वेट कर जाए। ओके, एंड OnePlus की बात आ ही गई है तो OnePlus का भी काफ़ी सारे फ़ोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं OnePlus Nord 2C का। ओके, वो इंडिया में इसी महीने में देखने को मिल सकता है, जो OnePlus Nord सी था उसका सक्सेसर होगा। इसका भी प्राइस बताया जा रहा है कि 25,000 के अंदर ही होगा, जैसा OnePlus Nord सी में था वैसा ही। एंड गाइज, एक और फ़ोन OnePlus की तरफ से आने वाला है जो कि OnePlus 10 Pro, ये भी इंडिया में इसी महीने फरवरी महीने के अंत में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्च महीने तक लॉन्च हो जाए, ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है, बट फरवरी के अंत वीक में या फिर मार्च महीने में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल पक्का न्यूज़ आ रहा है। ओके, एंड ऑलरेडी मैं OnePlus 10 Pro का अनबॉक्सिंग डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वो वाला वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। OnePlus 10 Pro का कैमरा रिव्यू भी किया है iPhone 13 Pro Max के साथ, आप अगर इंटरेस्टेड हो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। ओके, तो ये दोनों फ़ोन OnePlus की तरफ से आने वाला है। जो OnePlus 10 Pro है इसके अंदर आपको 8 वाट का चार्जर भी देखने को मिलता है, इसके साथ साथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 भी देखने को मिलता है, ये सब आपको देखने को मिलता है। अब इस Motorola की तरफ से इंडिया में एक फ्लैक्सी फ़ोन इसी महीने को लॉन्च हो सकता है, हो सकता नहीं होगा ही होगा। ओके, जो कि Motorola Edge X30, बट गाइस इंडिया में जब आएगा तब Motorola नाम को चेंज कर दे सकता है, चेंज कर देता है, तो इस बार भी साथ से चेंज कर देगा। बट इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 वगैरह देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स है न्यू। बट गाइस एक चीज़ आपके साथ शेयर जरूर से करना चाहूँगा, मैं इसको पहले भी जो वीडियो बना था उस वीडियो में कहा था, ये जो फ़ोन है ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड फर्स्ट स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के साथ आया था। एंड गाइस ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था, ये फ़ोन का ये प्रॉब्लम नहीं था गाइस, स्नैपड्रैगन का जो फ्लैगशिप प्रोसेसर होता है वो मैंने 888 से देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। ओके, परफॉर्मेंस जितने जैसा जैसा बढ़ रहा है वैसा वैसा हीटिंग भी बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी Motorola जब इसको इंडिया में लॉन्च करता है तब कैसा परफॉर्म करता है, कितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो ये आने वाला है Motorola की तरफ से एक फ्लैगशिप फ़ोन इंडिया में। अब इस बात करते हैं Realme के अपकमिंग फ़ोन्स के बारे में, जो कि Realme का 9 सीरीज़ इंडिया में इसी महीने में आपको देखने को मिलेंगे, जो Realme 9 एंड Realme 9 Pro दोनों ही आपको इंडिया में इसी महीने में देखने को मिलेंगे, एंड इसका स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ गया है। ओके, आप देख सकते हो लीक हो गया है। एंड इसके साथ साथ गाइज इसका जो प्राइस है वो लगभग 15 से 20,000 रुपये में आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में। Realme का जो 9 सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे Realme प्रोवाइड करता है, एंड इसके साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बिकता भी है फ़ोन, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत से लोगों के लिए। एंड एक और Realme का फ़ोन आ सकता है जो कि है Realme का फ्लैगशिप सीरीज़, जो कि है Realme GT 2, वो इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है फरवरी महीने के लास्ट वीक में, ऐसा अभी रिलीज डेट कन्फर्म नहीं हुआ है, बस ऐसे हाईली लीक आ रहे हैं, काफ़ी सारा लीक आ रहे हैं जिससे आपको पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि फरवरी महीने की लास्ट वीक में इंडिया में देखने को मिल सकता है, लास्ट या फिर मिड ऑफ फरवरी देखने को मिल सकता है। अब गाइस बात करते हैं वीवो के बारे में, एंड वीवो का 2 फ़ोन इंडिया में इस महीने में देखने को मिल सकता है। ओके, इंडिया में अगर नहीं भी आता है तो इसके मार्च महीने में तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहली बात गाइस, जो वीवो का जो टी सीरीज़ है वो आपको फरवरी महीने में देखने को मिल सकता है, वीवो न्यूली इसको लॉन्च कर रहा है स्पेशली ऑनलाइन मार्केट में, एंड वीवो का टी सीरीज़ आपको फरवरी महीने में इंडिया में देखने को मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ गाइज एक और है वीवो का जो फ्लैगशिप सीरीज़ है वो आपको चाइना में, इस फ़ोन को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि मैं खुद वीवो X70 Pro Plus यूज़ किया है, 60 Pro Plus यूज़ किया है, तो एक सीरीज़ एकदम फ्लैगशिप एकदम टॉप सीरीज़ होता है, एंड मेन प्रायोरिटी इसका कैमरा रहता है। तो मैं वीवो एक्स जो 80 सीरीज़ है वो इंडिया में इसी महीने में देखने को मिल सकता है। अगर गाइज चाइना में कुछ दिन बाद लॉन्च हो जाता है, मिड ऑफ फरवरी लॉन्च हो जाता है, तो फिर इस
इसी महीने के अंत तक आपको वीवो एक्स 80 सीरीज इंडिया में देखने को मिलेंगे, या फिर मार्च महीने में 100% कंफर्म है कि इंडिया में आएगा ही आएगा। ओके एंड गाइज एक और चीज़, इसका जो ऑफिशियल प्राइस स्पेसिफिकेशन है सब कुछ रिलीज हो गया है एंड मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी बना चुका हूँ, तो आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ जो भी वीवो एक्स 70 सीरीज का मेरा वीडियो देखे हो वो ये वाला वीडियो ज़रूर देखो, ऊपर आईबटन में एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर गाइज वीवो एक्स 80 सीरीज फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक को चाइना में लॉन्च हो जाता है तो फिर हो सकता है कि इसी महीने के अंत वीक में हो सकता है कि आ जाए इंडिया में, ओके, या फिर मार्च महीने की फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। बट गाइज मैंने एक चीज़ तो नोटिस किया है, वीवो ज़्यादातर महीने के अंत में ही फ़ोन लॉन्च करता है, तो हो सकता है कि फरवरी महीने में, स्पेशल इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो फरवरी महीने में अंत में हो सकता है वीवो एक्स 80 सीरीज इंडिया में आ जाए, या फिर अगर नहीं आता है तो मार्च महीने की शुरू में तो नहीं आएगा, क्योंकि वीवो का मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जो कि अंत में, स्पेशली एक्स सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, महीने के अंत में लॉन्च करता है, तो हो सकता है कि मार्च महीने के अंत वीक में लॉन्च कर दे 25 से लेकर 30 तारीख के बीच। ओके बस गाइज आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है, तो काफ़ी सारा फ़ोन इंडिया में फरवरी महीने में लॉन्च होने वाला है एंड जो मार्च महीना एंड जो फरवरी महीना होता है वो पूरे ईयर का सबसे ज़्यादा फ़ोन इसी महीने में लॉन्च होता है, स्पेशली जो फ्लैगशिप होता है हर एक ब्रांड उसका फ्लैगशिप सीरीज़ इसी महीने में लॉन्च करता है, तो वह जो स्केड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है फरवरी महीने का। तो बस का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर देना। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ चैनल पर, आप देख सकते हो 66K लगभग सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है और कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है जिससे मुझे भी मेरे चैनल को भी सिल्वर प्ले बटन मिल सकता है। ये मेरा ड्रीम है एक सिल्वर प्ले बटन, इतना 3-4 साल से मेहनत कर रहा हूँ तो एक सिल्वर प्ले बटन तो एटलीस्ट मिलना चाहिए, है ना, तो बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड अगर आपको इसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो मुझसे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर से करूँगा। तो बस गाइस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।